हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो वैसे तो 11 बजे के समथिंग यहाँ पे टाइम हो चुका था। हम लोग नहा धो लिए थे, तैयार हो लिए थे और हम कहीं बाहर जाने का, घूमने का सोच रहे हैं। तो वो वैसे तो आपको पता चल ही गया होगा, लेकिन मैं आप लोगों को बाद में आगे जाके बताऊंगी। हाय, अरे नीचे कुर्सी अब करो। कैसे हो? बोलो, हम बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए। घूम के? और अभी ये खा खा के इतना मोटा बन गया है ना। मैं बहुत ज्यादा भूखी लगी। भूखी लगी है तो सारे दिन खाते रहते हो अभी आप। सारे दिन कौन खाता है? कोई नहीं खाता। जब तक इसको स्कूल में नहीं भेजेंगे, इसको ऐसे ही भूख लगती रहेगी। अभी आपको स्कूल भेज दे क्यों? तो यहाँ पे वो तेल में फ्राई करने वाले क्या थे, इनका नाम मुझे आज तक नहीं पता है। वैसे देख के ले आते हैं सोप से। तो अभी को बस खाने का हो रहा था, पता नहीं इसकी दवाई ये चल रही है, इसी वजह से शायद इसकी भूख बढ़ रही है। डॉक्टर ने हम लोगों को बताया था जब तक ये दवाई लेगा तब तक इसकी भूख ऐसे बढ़ी, मतलब बढ़ती रहेगी, तभी इसका वेट इतना बढ़ रहा है दवाई की वजह से ही। और यहाँ पे बस फ्राई हो चुकी है, ज़्यादा नहीं करूँगी, बस अभी के लिए कर रही थी मैं, क्योंकि बच्चा है, कुछ भी रास्ते में मांग ले या कुछ और, तो इसीलिए। क्योंकि थोड़ा सा मतलब कि शाम तक का हमारा प्लान था कहीं पे जाने का, तो इसीलिए बना रहे थे। और अभी चल पड़े हम लोग, तो चलिए पहले। तो जहाँ पर हम लोग घूमने के लिए जा रहे थे ना, वहाँ पे मंडे के दिन वो मतलब कि पार्क था जूलॉजिकल, तो बंद था, इसलिए हम घूमते फिरते फिर थोड़ा सा मतलब कि हो गया था कि भूख लगी है, तो पहले कुछ खा पी के फिर चलते हैं। तो उसके बाद में यहाँ पे पास में आप लोगों को भी दिख रही होगी आइसक्रीम की शॉप थी, और जैसे बच्चों को आइसक्रीम वगैरह दिखती है ना, तो इनको ये हो जाता है कि बस हम लोगों को आइसक्रीम चाहिए। यहाँ पे ना काफ़ी शोर शराबा हो रहा था, तो मैंने इसकी आवाज़ थोड़ी सी बंद कर दी है और मैं दिखा रही थी। सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था ये रेस्टोरेंट अंदर से, और नाइट के टाइम में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी इन्हें आइसक्रीम ले तो ली थी बेटे ने, लेकिन इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, क्योंकि इसको मैंगो का टेस्ट ही अच्छा नहीं लगा। तो मैंने सोचा मैं अपने हाथों से इसको खिला के देखती हूँ, क्या पता खा ले, लेकिन जैसे इसने थोड़ा सा टेस्ट किया इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो थोड़ा सा मैंने भी टेस्ट किया, लेकिन फिर मुझे भी मैंगो आइसक्रीम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वैसे मैंगो शेक वगैरह तो सबको पसंद होते हैं, लेकिन आइसक्रीम हम लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर इसके पापा ने फिनिश की। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ हम लोगों ने वेज ही खाना मंगवाया था, क्योंकि हम लोग नॉन वेज बहुत ही मतलब बहुत क्या हम खाते ही नहीं है, ये तो वैसे भी खा लेते हैं लेकिन हम नहीं खाते। तो यहाँ पे बिरयानी मंगाई है, वेज बिरयानी, और नान है बटर नान, और ये कढ़ाई पनीर था शायद, हाँ, क्योंकि पनीर चाहे कोई भी हो, मुझे पनीर के टेस्ट का पता ही नहीं चलता, चाहे वो मटर पनीर हो, चाहे वो कढ़ाई पनीर हो, चाहे वो शाही पनीर हो, चाहे वो पनीर बटर मसाला हो, जो भी हो पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पे उसके बाद में बिरयानी के साथ में ना ये लोग, ये आप लोग पास में चटनी रायता ये भी ये साथ में देते हैं। तो अभी काफ़ी खुश हो गया था खाने को देख के, क्योंकि अभी क्या हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लगी थी। उसके बाद में आगे के सफ़र की शुरुआत करते हैं, तो चलिए। वो
अभी हम लोग हमारी भाषा में बात कर रहे थे, जो लोग हमको जानते हैं हमारे साइड के उनको समझ में आ गई होगी मारवाड़ी थोड़ी सी। तो यहाँ पे ना आप लोग देख पा रहे होंगे सामने जो वाइट वाइट सा दिख रहा है वहाँ पे पानी समुंदर है, वहीं पे हम लोग जाएंगे। और हम लोग काफ़ी ज़्यादा हाइट पे थे सच में, बहुत ज़्यादा तेज मतलब घुमाव, पूरा पहाड़ के ऊपर से ये रास्ता था तो काफ़ी ज़्यादा घुमावदार रास्ता था, जिसपे सच में मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है स्पेशली बाइक पे, क्योंकि होता ही है जिनको चलानी आती है ना उनके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होता, लेकिन मुझे पीछे बैठे बैठे डर लग रहा था कि कैसे हम जाएंगे। लेकिन आप लोग देख पा रहे होंगे हम पहाड़ी क्रॉस करके बीच में गांव आया था, जो कि बिल्कुल गांव ही था। मैंने पहली बार विशाखापट्टनम का कोई गांव देखा था। तो जैसे गांव को क्रॉस किया उसके बाद में आप लोग देख पा रहे होंगे बीच का किनारा आ चुका है और अच्छा लग रहा था। यहाँ पर बालू मिट्टी भी देखने को मिल रही थी हम लोगों को, और वैसे भीड़ भी यहाँ से तो कम लग रही थी, लेकिन जैसे आगे जाएंगे ना तो थोड़ी सी ऐसे लग रहा था कि भीड़ सी होने लगी है। तो चलिए अभी आप लोगों से मिलते हैं और आप लोगों को भी बीच दिखाते हैं, और वीडियो को प्लीज़ प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए आप लोग। ओए चंत्री मंत्री अपने पापा के साथ में इधर खेल रहा है थोड़ा सा, और काफी अच्छा मतलब नीचे का साफ सुथरा है। और आप लोग बताना कैसा लगा, हमें तो बहुत मतलब ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे ना जियो में शायद इंटरनेट भी नहीं है, थोड़ा सा मतलब कि नेट नहीं चल रहा, बस ही नेटवर्क आ रहा है। तो हम लोग ना खा पी के आराम से आए थे, और अभी रास्ता भी काफी दूर है, मतलब कि 20 किलोमीटर हम दूर आए हुए है, तो वापिस घर भी जल्दी जाना होगा। देखते टाइम कितना हुआ, कुछ भी आइडिया नहीं है आज। और दोनों पापा बैठे आराम से खेल रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और वीडियो पता नहीं कैसा क्या आ रहा होगा, क्योंकि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा डिस्प्ले पे। अच्छा लगा अभी को, अभी तो खाना खा के आए थे हम लोग, नहीं अभी और रास्ते में पका नहीं, पका अभी तक, प्यास लगी है, पानी पियेंगे थोड़ा। अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों बाद में समुंदर ऐसे देखा है। तो इसमें तो बच्चा कैसे छोटे छोटे बच्चे गिर रहे हैं इधर।
अभी को हम लोग नारियल पानी पिला रहे हैं, लेकिन अभी बिल्कुल भी नहीं पी रहा। अभी अभी देखो तो बोलो हाय। मैं नारियल पानी नहीं पी रहा हूँ। मैंगो, मैंगो तो इसको मैंगो का पानी पीना है। बाल कैसे खराब हो गए मेरे। मैंगो पानी 4 बजे का टाइम हो चुका है और हम लोग ये नारियल पानी पियेंगे और उसके बाद में थोड़ी देर बाद में हम लोग घर जाएंगे और मुझे लग रहा है घर जाते जाते नाइट हो जाएगा। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलती हूँ आप सभी लोगों से एक अच्छे से नए से व्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।